पत्थर मत फेंकना, अकेले आ रहा हूँ। अक्षय यादव हूँ, सांसद फिरोजाबाद, पूर्व सांसद। कंटेनर में पड़ रहे हैं साहब, ये पलंग चार में पड़ी साइड से। पीछे पीछे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र की पांचों विधानसभा पर जीत के बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। चुनाव की पूरी मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से फिरोजाबाद की पांचों विधानसभा पर हुई, लेकिन जसराना के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सचिन यादव की जीत के बाद प्रमाण पत्र देरी को लेकर कुछ उपद्रवी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर पुलिस पर पथराव और पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया। हंगामे की खबर सुनते ही समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव मौके पर घटना स्थल पर पहुंचे। भाई चुनाव आपके पक्ष का, आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो? मैं बीच में आ रहा हूँ, पत्थर मत फेंकना, अकेले आ रहा हूँ। अक्षय यादव हूँ, सांसद फिरोजाबाद, पूर्व सांसद। आपके बीच में आ रहा हूँ, पत्थर मत फेंकना, अकेले आ रहा हूँ, कोई नहीं आएगा। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद उपद्रवी कार्यकर्ताओं को माइक लेकर समझाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उपद्रवी कार्यकर्ताओं ने उनकी बात को माना। उसके बाद पूर्व सांसद अक्षय यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा, आप ही सुनिए। मैं खुद मंडी के गेट के बाहर खड़ा था, एकदम से चटाक चटाक पत्थरों की आवाज आई। मैं खुद मंडी में जो कमरा बना है उसमें जाकर छुपा हूँ, और SSP साहब के द्वारा सूचित करा कि ये पार्टी के लोग हैं, तो मैं उन्होंने आग्रह करा, मैं निकल कर भी आया। इस गली में कुछ लोग छुपे थे जिनसे मैंने पूछा कि ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, अंधेरे में से पत्थर आए। कुछ लोग मिले जिनसे मैंने कहा, मैं हाथ भी छू रहा हूँ, हाथ भी जोड़ रहा हूँ, पैर भी छू रहा हूँ, आप लोग जाओ, हमारे चुनाव क्यों बिगाड़ रहे हो। समझाने के बाद प्रशासन के डर की वजह से ये लोग भाग गए। सचिन जी को प्रमाण पत्र मिल गया, वो अपने घर चले गए। क्या देरी क्या हुई इसलिए सर, क्या लग रहा है क्यों इतना पथराव होने लगा एकदम? ऐसा है, पथराव क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मार्जिन है वो बहुत कम था। तो हम लोग वहाँ बैठे के आप लोगों से बात हुई, हमने कहा अगर देरी लगती है, कल जिस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी मांग कर रहे थे लेट तक पोलिंग ये होती रहे मतगणना, तो हम लोग को अंदेशा था कि कोई बीमारी हो सकती है, इसके अलावा कोई और बात नहीं थी।